नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम तालाब तिलों में प्रीपेड मीटर यानी के लोगों के ऊपर श्राप थोपा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, और इस समय आप देख रहे स्मार्ट मीटर को लेकर तालाब तिलों में इस समय प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग, महिला बुजुर्ग भी एकत्रित हुए। ये किस तरह का श्राप जो जम्मू की जनता पर थोपा जा रहा है? ये एक जम्मू की जनता के ऊपर अत्याचार है। अच्छे दिनों का वायदा करके लोगों को बड़े 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 सपने दिखा के आज जिस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है, जिस तरीके से स्मार्ट मीटर को लेके पूरे जम्मू शहर के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कहीं भी चले जाइए, किसी मोहल्ले में चले जाइए, हर बंदा परेशान है। जो 500 का बिल दे रहा था, आज वो 5000 का बिल उसके आ रहा है। लोगों को 8-10 हजार के बिल आ रहे हैं। लोग जाए तो जाए कहाँ, कहीं पे सुनवाई नहीं है। अगर आप किसी आला अधिकारी के पास जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि अपने घर की अर्थिंग करवाइए। क्या अर्थिंग कराइए, क्या सिस्टम है, किसी को कोई समझ नहीं आ रहा है। तो आज हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ से जो जहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है J&K ड्यूटी की, हम उसको ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, इसके ऊपर कोई कमेटी बनाई जाए। जनता के पास खाना खाने को पैसे नहीं है, तो इतने बड़े बड़े बिल हम सुनते थे कि 2-2 हजार 5 हजार का बिल आएगा, लेकिन आज वो बिल आ रहे हैं। आगे ही यहाँ पे कोरोना के बाद जम्मू कश्मीर जो मिलिटेंसी स्टेट है, जहाँ पे बिजली बनती है, तो जहाँ पे इस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार करना, और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, कोई कमेटी बनाई जाए, लोगों की समस्या को जो परेशानी है उसको सुना जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। जम्मू की जनता चुप रहने वाली नहीं है। आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग एकत्रित हुए हैं, और देखिए LG को हटाओ सदा सुख चैन पाओ, ये सर ने लिखा हुआ, सर से जानने का प्रयास करेंगे। ये 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 क्या लिखा हुआ आपने, LG को हटाए हटाओ सदा, बिल्कुल सदा सुख चैन पाए। LG को हटाओ सदा सुख चैन पाओ, नहीं तो LG को जम्मू कश्मीर से भगाओ। LG सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। 2000 का बिल, 1.5-2 हजार आया, कुथू दे गरीब इन्नी अपनी जेबा बिच माया। जिथे 500 आंदा हा, 200-300 आंदा हा, हुण 1.5-2 हजार, 2.5 हजार, 2.5 हजार, 3 हजार ओदा बिल आ रहा। पहले इन्हें सरकार ने नोटबंदी करिए लुटिया, पहले सरकार ने नोटबंदी करिए लुटिया, फिर ओदे बाद इन्हें GST लगाया, ओदे कन्ने लुटिया व्यापारियों भी लोकें की। अगर व्यापारी लुटे तो लोग पहले लुटे। ओदे बाद इन्हें जम्मू कश्मीर का जेड़ा मतलब कि 370 दफा तोड़ी है, ओदे कन्ने भी जो कश्मीरी लोग जम्मू कश्मीर आते हैं, जम्मू आते हैं, अपना लोगों का व्यापार जेड़ा थोड़ा बहुता चलता है, आज वो भी नहीं आ रहा। ये 10000 रुपया बिल आया, जो हमारा बिल 700-800 से ऊपर नहीं आता था, आज ये बिल 10000 रुपया चली गया। LG साहब क्या कर रहे हैं, कहाँ से, हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, 700 रुपया दिहाड़ी लगाएंगे, 10000 महीने का बिल कहाँ से बनेगा? इतनी बिजली इतनी दो कम नहीं करते हैं इस्तेमाल, दो कमरों में जहाँ बैठेंगे वहाँ पखा ऑन होगा, जहाँ बैठेंगे वो पता चल गया है ये मीटर बड़े तेज है, तो हम तो वो पागल थोड़ी है, हम तो अपना पक्का एक जहाँ बैठेंगे वही पक्का चलाएंगे ना, दूसरा पक्का थोड़ी चलाएंगे। अब ये जो ये मंथ का बिल 10000 रुपया आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कहाँ से भरे? मैं मैकेनिक हूँ, मैकेनिक को कितना कमा लेते, वही तो बोल रहा हूँ, 700-600-700 दिहाड़ी आएगी टाइम पे, ठीक है, तो बंदे 10000 कहाँ से भर रहे हैं? जो 700 रुपया बिल आ रहा है, चलो जायज 800 जायज महीने का चलता है, ये 10000 रुपया बिल मंथ का ही है, हम कहाँ से लाएंगे पैसे? LG साहब से यही उम्मीद है कि कुछ सर सोचो हमारे बारे में, कुछ करो, ऐसा रहेंगे तो जम्मू का कुछ नहीं बनेगा। एक ही जगह एक चीज और बंदा लास्ट टाइम ये बात है, हर जगह में मीटर नहीं लगे, जम्मू कश्मीर मीटर क्यों लग रहे हैं, क्या वजह है? साफ तौर पर जम्मू की जनता आज बोल रही है, और जिस तरह से सुबह हमने एक वीडियो अपलोड किया था वार्ड नंबर 36 जानीपुर में, जहाँ पर स्मार्ट मीटर ही जल गया, आग लग गई है, तो पर फिर किस तरह की मीटर है, किस तरह का टेंडर दिया, क्या जनता के ऊपर थोपे जा रहे हैं जो जनता चाहती नहीं है? जी नमस्ते मैम। मैम जो आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है, ये है स्मार्ट मीटर के खिलाफ। बिजली के बिल मैम जो जहाँ पे 400-500-600 रुपए आता था, आज की डेट में 5000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया लोगों के बिल आ रहे हैं। इतने तंग हो गया मैम बिजली डिपार्टमेंट से, बिल से सारा बजट खराब हो गया है, पता नहीं झूठे कैसे बढ़ा रहे हैं। एक डर बैठ गया मैम, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है, इनकम इतनी है नहीं,
और एक जी इतना 5,000 रुपए का बिल, 6,000 रुपए का बिल। विडो लेडीज हमारे जो इतराब तुल के जो थोड़े से मिडिल क्लास के लोग हैं, इतनी इतना काम नहीं है मैम जितना इतने कमा दिया, और इसकी वजह से हम लोग अपना काम छोड़ के आज हमें रोड पे बैठना पड़ा। और मैं यही चाहता हूँ, बिजली तो पहले भी इस्तेमाल जनता करती थी, बिजली के बिल तो पहले भी दिए जाते थे मैम, आज ऐसा कौन सी अलग सी जो बिजली दे रहे हैं। एलजी कहते हैं कि एक घंटा क्या, एक मिनट भी बिजली बंद नहीं, यहाँ तो कई कई घंटे 24 घंटे बिजली मैम बिजली बंद रहती है। ठीक है, बिल आता था, हम लोग पे करते थे, 400-500 आता जायज था मैम, ठीक है हम समझते हैं, लेकिन 5,000 रुपए बिल मैम कौन देगा। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला बंदा अपने बच्चे पालेगा, जहाँ इनके बिल देगा। कहते हैं गरीबों के बिलों को ध्यान में रखा जाएगा, क्या ध्यान में रखे एलजी मैम? एलजी साहब का बयान मैं कल सुन रहा था, एलजी साहब कह रहे थे बिल आपके सारे काम आएंगे जैसे पहले आते थे, लेकिन पूरे जम्मू प्रोविंस में जब ये इंस्टॉल हो जाएंगे उसके बाद आपके बिल आएंगे। तो मैम तब तक तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि एलजी साहब इस पे रोक लगाओ और कम से कम बिल अपने जो बिल हैं जे लोगों को भेजो, बहुत हालत खराब मैम, इसलिए हमें रोडों पे आना पड़ा। देखिए जम्मू की जनता आए दिन आप देखते हैं इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, जम्मू के अलग अलग एरिया से इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब जनता की जो सबर का बांध है वो टूट चुका है, इसीलिए जनता अब सड़कों पर उतरकर अपना जो रोष है प्रदर्शन कर रही है। और ये पहली बार नहीं है, अलग अलग जगहों से हम डेली आपको प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बिजली जनता पहले भी इस्तेमाल करती थी, बिल पहले भी दिए जाते थे, पहले भी मीटर के माध्यम से जब कहा था कि स्मार्ट मीटर लगेंगे अब ट्रांसपेरेंसी होगी, पर उसके बाद प्रीपेड मीटर लाने की क्या जरूरत थी। और एलजी साहब कहते हैं गरीबों का ध्यान रखा जाएगा, तो एलजी साहब ये गरीब ही है जो बाहर निकले हैं, पर ये जरूर कहेंगे वो फरमान क्यों थोपे जाएगी जा रहे हैं जिसे जनता बदहाली में आ जाए। आए दिन जम्मू की जनता अब जागरूक हो गई है और जम्मू की जनता अब सड़कों पर उतर रही है कि आखिर सबर का बांध अब जम्मू की जनता का टूटता नजर आ रहा है। आए दिन इस तरह के फरमान कहीं ना कहीं गरीब जनता की जेबों पर डाका डालने का काम कर रहे हैं, जो पहले से ही रसूखदार है वो और उनके पैसों में उनके व्यवसाय में इजाफा हो रहा है, जो गरीब है उनकी गरीबी और बढ़ रही है। ये किस तरह का निजाम चला रहे हैं, क्योंकि जनता पहले भी बार बार कहेंगे बिजली इस्तेमाल करती थी, लीजिए बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में करोड़ों के बिल पेंडिंग है, लीजिए नेताओं से जिनके 14-14 लाख 20-20 लाख 50-50 लाख पहले उनसे वसूली कीजिए ना। जनता जो 500 देती थी आज वो 5,000 पर आ गई है, 10,000 बिल आ रहे, जिसकी तनख्वाही 10,000 होगी वो किस तरह से बिल देगा, रोटी कैसे खाएगा, आपके बिल कैसे भरेगा। आज लोगों पर एक डर का साया है कि ना जाने कितना बिल उनके दरवाजे पर आकर दे देंगे, थमा देंगे उनके हाथ में, और मजबूरी में उन्हें कहीं से उधार उठाकर अपनी जमीन जायदाद बेचकर वो बिल भरना पड़ेगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवाहर।